370 और 35 ए के हटने से पहले जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्य के लोगों को जमीन खरीदने का कोई भी हक नहीं था, परंतु 370 हटा, 35 ए हटा और यहां पर बदलाव शुरू हो गया। बाहरी राज्य यहां पर, यानी कि बाहरी राज्य के जो लोग थे वो यहां पर पहुंचना शुरू हुए, उन्हें यहां के जमीनी हक भी मिलना शुरू हो गए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इस पर जवाब भी दिया कि पिछले 3 सालों में कितने लोगों ने जम्मू कश्मीर में जो है जमीनें खरीदी हैं जो कि बाहरी राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। तो आपको बता दें कि तकरीबन 185 लोगों ने जो है बाहरी राज्यों से जो ताल्लुक रखते हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर में जमीनें खरीदी हैं। अगर बात की जाए तो ये 2020, 21 और 22 का आंकड़ा है। पिछले 3 सालों का आंकड़ा मिलाकर 185 लोग जो है वो यहाँ पर अब तक जमीन खरीद चुके हैं। कि एक साल में कितने लोग थे, आइए उस पर नजर दौड़ाते हैं। अगर बात करें 2020 की, यानी कि 2020 की, तो इस दौरान सिर्फ एक ही व्यक्ति ने यहाँ पर जमीन खरीदी। उसके बाद 2021 की अगर बात करें तो इजाफा देखने को मिला और 57 लोगों ने यहां पर जमीनें खरीदी। 2022 में इस आंकड़े में और वृद्धि हुई और 127 लोगों ने यहां पर जमीन खरीदी। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से ये लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। माफी चाहूंगी, ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ये साफ कर रहा है कि अब बाहरी राज्य के लोग जो है उन्हें यहाँ पर जमीनी हक जो है वो लगातार मिल रहे हैं और ये आंकड़े उस पर साफ गवाही भी दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो लद्दाख की, इस बीच उन्होंने लद्दाख का भी आंकड़ा दिया तो लद्दाख में किसी भी व्यक्ति ने कोई भी जमीन जो है पिछले 3 सालों में नहीं खरीदी। तो मानकर चल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पर थोड़ा भार बढ़ रहा है क्योंकि बाहरी राज्यों के लोग जो है अब यहाँ पर रुक कर रहे हैं, उन्हें यहाँ का डोमिसाइल भी बना दिया जाएगा अगर वो सारे नॉर्म्स जो है वो पूरे करते हैं। इसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई कि तकरीबन 1500 के ऊपर जो इंडियन कंपनीज हैं उन्हों और साथ ही साथ मल्टीनेशनल कंपनीज का इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है एक अलग तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है, परंतु यहाँ के लोग और यहाँ की ओपोजिशन पार्टीज इस बदलाव को किस तरीके से लेती है वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार जो है हमने यही देखा था कि हमारे जमीनों के हक हमारे पास थे, हमारी जमीनें हम तक ही थी, परंतु अब इन जमीनों पर बाहरी राज्य के लोग भी हक अपना आजमाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ये आंकड़े साफ कर रहे हैं कि किस तरीके से 2020 में सिर्फ एक व्यक्ति ने जब जमीन खरीदी तो 2021 में आंकड़ा कितना ज्यादा बड़ा 57 पर पहुंचा और वहीं 2022 में यह आंकड़ा 127 पर पहुंचा। अगर आप बात करें 2023 की तो ये आंकड़ा शायद और बढ़ सकता है, पर एक सवाल ये है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए क्या वो हो रही है? बाहरी लोग जो है यहाँ पर पहुंच तो रहे हैं पर जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, क्या उन्हें वो सुविधाएं, वो सभी चीजें मुहैया हो पा रही हैं जिनके उन्हें जरूरत है? अब ऐसे कई ढेरों सवाल जो है वो उठ रहे हैं। और वही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगर बात करें तो उनका ये भी कहना है कि 2047 तक जम्मू कश्मीर जो है, सपनों का जम्मू कश्मीर जो है वो जरूर सच हो जाएगा, जिसका सपना हर एक व्यक्ति यहाँ का देखता है। पर उससे पहले कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पर सबको हक मिल रही है, पर उसके साथ साथ यहाँ के लोगों के हक कितने सुरक्षित है वो भी एक बड़ी चिंता की बात है। आपकी क्या राय है इस सब पर जरूर साझा कीजिएगा। जुड़े रहे डीआर न्यूज के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।